Hey everyone, welcome to this channel. आज हम बात करेंगे quadratic discriminant analysis की। ये second algorithm है after linear regression। अगर आपने linear regression का video नहीं देखा है, please go to this link, एक बार आप देख लीजिए ताकि आप यहाँ पे follow through कर सकें। इस video में हम बात करेंगे quadratic discriminant analysis के बारे में and कैसे उसको हम use कर सकते हैं in a particular use case or in a particular problem। So let's get started. Quadratic discriminant analysis. इस analysis में क्या होता है कि ये एक real data है from Delhi Police. उसमें क्या उन्होंने बताया कि अगर area की density ज़्यादा है, area के लोगों की density ज़्यादा है और यहाँ पे उस area में अगर vehicle की speed भी ज़्यादा है, तो इस rate पे deaths होते हैं. Black means deaths, red means lesser deaths. तो आप देखेंगे जब density ज़्यादा है, speed ज़्यादा है, तो deaths ज़्यादा हैं. जब density कम है और speed कम है, तो deaths कम हैं. मगर देयर आर सिनेरियोस लाइक ये सिनेरियो जहां पे स्पीड ज्यादा होने से भले डेंसिटी कम हो, डेथ्स फिर भी हो रहे हैं. तो अगर आपको दिल्ली पुलिस कहती कि ठीक है, आप एक मॉडल बनाइए जिसके ऊपर हम ये आपको डेटा देंगे और वो मशीन को लर्न करना है और हमें बताएगा कि किस एरिया में हमें ज्यादा फोर्सेस चाहिए, किस एरिया में हमें कौन सा लॉ रखना है या किस एरिया में हमें किस टाइप के फोर्सेस और रेस्ट्रिक्शन डालने हैं ताकि डेथ्स कम हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? अगर हम लोग लीनियर मॉडल लगाते हैं तो ये क्लासीफाई करता है क्लास ए एंड क्लास बी में, जिसमें हम ये पोर्शन भूल जाते हैं और ये पोर्शन मॉडल में गलत ट्रेन हो जाता है, जिससे हमारा डेटा और मॉडल दोनों गलत होता. बट अब हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमें क्लासिफाई करे इन द पोर्शन ऑफ कर्व. दैट मींस क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आपको इस तरह का क्लासिफिकेशन करता है जिसमें आप दो डिफरेंट क्लासेस को स्प्लिट कर सकते हैं थ्रू अ कर्व. सो लेट्स ट्राई दिस इन आवर सिस्टम और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है. तो चलिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं. इंटरेस्टिंग एग्जांपल में ये होगा कि अगर हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हमें स्पीड लिमिट पता है और हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता है एक एरिया की, तो और हमें ये भी पता हो कि उन एरियाज में कितने एक्सीडेंट आइदर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा मॉडल बना सकते हैं फॉर एनी अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल, अगर स्पीड 100 है और हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी इन 1 किलोमीटर एरिया अगर 1000 है, तो हमारा फिर भी एक्सीडेंट्स हुए हैं बिकॉज उसकी स्पीड हाई है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा 60 की स्पीड लिमिट दिया गया है और पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 2000 की है, तो वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है. सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, तो इसका मॉडल बना के हम अथॉरिटी का हेल्प कर सकते हैं इन वे. देखिए, जैसे कि ये डेटा हमारे पास है, हमने एसके लर्न से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का मॉडल उठाया, हमने एक्स और वाई अपना जनरेट किया जो हमें अथॉरिटी से सप्लाई मिलेगा उस डेटा का. उसके बाद इस पर्टिकुलर मॉडल को हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस पर्टिकुलर मॉडल का, उस ऑब्जेक्ट पे उस मॉडल पे फिट किया x एंड y, x हैविंग स्पीड लिमिट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, y हैविंग एक्सीडेंट बाइनरी. तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब हम फिट कर लेंगे सो मशीन ने वो मॉडल लर्न कर लिया है, यहाँ तक हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम शुरू करेंगे उसको टेस्ट करना. टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी 2500 है इन अ पर्टिकुलर एरिया. अब हमें चाहिए और हमें कितना स्पीड लिमिट चाहिए और क्या वो स्पीड लिमिट सेफ होगा उस एरिया के लिए नहीं, लेट्स प्रिडिक्ट दैट. सो हमने यहाँ पे किया, हमने इस मॉडल को रन किया और पाइथन का हमने ये मॉडल उठाया और रन किया. सो फॉर द स्पीड लिमिट ऑफ 40 and population density of 2500, this will be a good choice. But for example, speed limit हम यहाँ पे 60 करते हैं. Let's see if that works out. It would still be fine because population density is really less. But let us say my speed was 80 limit. My speed limit was 80. और आप देखते हैं क्या होता है. Okay, now it would not be safe. तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो data input किया है model में वही data predict करें. आप उस किसी भी डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते क्योंकि हमने ग्राफ मॉडल बना लिया, हमने क्लासिफिकेशन बना लिया. तो ये था पूरा इंप्लीमेंटेशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आया होगा. ये कॉन्सेप्ट ही बेसिस बनाता है न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन का, जहां पे आप इमेजेस क्लासिफाई करते हैं, जहां पे आप वॉइसेस क्लासिफाई करते हैं, इन वेरी वेग वे, बट ये चीज बहुत काम आएगी आपके. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक टू दिस वीडियो ताकि मुझे भी अच्छा लगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. इस वीडियो में हम बात करेंगे
इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डिस्क्रिमिनेंट सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन नहीं है एनालिसिस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में।